दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों ये देखिए कितना बेहतरीन मैंने दाढ़ी सेट किया है। अगर ऐसा दाढ़ी सेट करना है लेयर में तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए मैंने 0.5 का सेटिंग किया ट्रिमर का, क्लच नीचे किया। कैसे करो सेम फॉलो करना है आपको, ऐसे ही बहुत बेहतरीन लेयर बियर्ड सेट है ये। ये देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ सेम फॉलो करना है। और आप लोग बोल भी रहे थे कि भाई लेयर में बियर्ड सेट करके हम लोगों तक वीडियो पहुँचाओ, तो मैंने ये लेयर में बियर्ड सेट किया है। अब आपको भी सेम फॉलो करना है, ऐसा ही करना है सेटिंग बियर्ड का। ये देख सकते हो एक नंबर का कैप और सेटिंग मैंने जैसा कर रहा हूँ सेम करना है आपको वैसे ही। ये देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखने का, भगाने का नहीं। अगर वीडियो भगाएंगे तो आपको समझेगा ही नहीं कि कैसे मैं क्लच सेटिंग कर रहा हूँ, कैसे मैचिंग कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या लगा रहा हूँ ट्रिमर का सेटिंग, नहीं समझेगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखने का और आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे कैंची से थोड़ा सीजर से ऐसे सेट कर देने का। और ये फिनिशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा है। ये देखिए यहाँ से आप सीजर से, कैंची से और ट्रिमर से कैसे भी कट मार सकते हो, आपको जैसे सही लगे आपके हिसाब से। ये देखिए कितना अच्छे से मैं कट मार रहा हूँ, कितना अच्छा दिखेगा फाइनल लुक हमारा। ये देखिए यहाँ पे भी आपको सेम जैसे मैंने बताया सीजर कैंची जैसे भी आपको सही लगे वैसे ट्रिमर से ऐसे कट मारना है। ये पॉइंट जो रहता है बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट बनाना। अभी देखिए यहाँ पर मैं रेज़र से सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पानी भी यूज कर सकते हो, सेविंग जेल आता है या फोम आपको जैसे सही लगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत सारे हमारे वीडियो हैं उनको भी जाके देखिए, आपको सीखने को बहुत ईजी पड़ेगा। देखिए कट मारने का यहाँ से देख सकते हो फिनिशिंग कितना बेहतरीन दिख रहा है और कितना अच्छा आ रहा है। फाइनल लुक तो आप लोगों ने देखा ही है दोस्तों। देखिए इसको यहाँ पे कभी भी आपको सेटिंग पे ध्यान देना है। ये देखिए ट्रिमर का 0.5 का है। अब ये देखिए मैंने क्लच ऊपर किया, ये 0 का है। ये देखिए और इसको लेयर बोलते हैं, लेयर में वेट सेट जिसे हम हेयर लेयर में करते हैं वैसे ये बियर्ड को भी हमने लेयर में किया है। सेम प्रोसीजर इस साइड का है, जैसे आपने उधर देखा सेम ही है, इधर का भी इस साइड का भी आपको वैसा ही करना है सेट। दोस्तों इतना मेहनत करता हूँ लेकिन कोई भी वीडियो नहीं देखता है, थोड़ा ही देखते हैं भगा भगा के, तो फिर मैं उसी टाइप से छोटा वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोग को देखना ना पड़े ज़्यादा। फिर आप लोग बोलोगे भगा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, तो इसलिए वीडियो जब तक देखेंगे नहीं तो आपको कैसे समझेगा। देखो कितना बेहतरीन, कितना फिनिशिंग आ रहा है जब हम कट मारते थे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब कट मारते हैं किसी भी उससे, आप ट्रिमर से, सीजर से या रेजर से। ये देखिए कैसे सेट कर रहा हूँ।
रेजर जरूर, कैसे मैं पकड़ा हुआ रेजर, वैसे ही आपको रेजर पकड़ने का तरीका देख लेना है कैसे कर रहा हूँ, तभी आप लोग वैसा फिनिशिंग आप दे पाएंगे। देखिए कितना बेहतरीन मैंने साइड का ये जो पॉइंट है ये निकाला है, ये सब पॉइंट के ऊपर ही दाढ़ी का या बियर्ड का जो लुक है वो आता है, जब आप प्रॉपर पॉइंट निकालेंगे तभी। अभी देखिए ये फाइनल टचअप है, ये फाइनल टचअप को ज़रूर आपको, जब आपका दाढ़ी पूरा सेट हो जाएगा तो ऐसे फाइनल टचअप ज़रूर देना है आपको, तभी वो आपने क्या किया है वो समझेगा। ये देख सकते हो फिर से आप सेम वैसे ही आप एक दो जो भी आपके ट्रिमर से जैसे मैं सेट कर रहा हूँ 0.5 वैसे आपको सेट कर करके उसको फिनिशिंग देना है। यहाँ पे देखिए कोई कोई स्ट्रेट रखते हैं, कोई इसको यहाँ पे वी शेप, ये जो आइडेंटिटी रहती है इसको आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, वो कैसे चाहते हैं आप वो उसके टाइप से कर सकते हैं। देख सकते हो कितना बेहतरीन मैं यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ और हमारे क्लाइंट के ऊपर उनके फेस के ऊपर प्रॉपर दिखता है। और इसी लेयर में ये जो फ्रेंच के पास पास होता है ये दाढ़ी, यहाँ पे आप अगर आपके क्लाइंट के दाढ़ी के बाल बड़े हैं तो उन वी शेप में रख सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन मैंने V8 सेट किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक